आ गए हम ट्रेल 5 पे। हाय, क्या लग रहा है यार? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। हैं? अभी मैंने शेरी को बोतल पकड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ेना सिवला यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैर खैर से हूँ। तो अभी नींद से उठे हैं, यानी कि ईद तो चली गई, अब वही सेम रूटीन पे उठ रहे हैं। मैं उठा था 8 बजे, पूरे 8 बजे नाश्ता वाश्ता कर लिया था पूरा। हमारा प्रोग्राम था जाने का ट्रेल 5 पे, और ये अभी आ गया है, इसको तैयार श्यार होना है। अभी मैं देखते हैं ना कि कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता, कौन चलता है, कोई नहीं चलता। ट्रेल 5 मरगला हिल्स पे जाना है हमें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो पहाड़ी इलाकों पे, जंगली जंगल पे जाएंगे हम और खूब इंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो अभी शेरी वाले को कॉल की हमने, वो आ रहे हैं, ठीक है। तो जब वो आए तब मिलते हैं हम आपको नीचे, या फिर रास्ते में मिलते हैं, ठीक। तो स्टे ट्यून, और इस वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए आप भी कंटिन्यू रखें। तो फाइनली हम आ गए ट्रेल 3 पे आ गए ना। तो उधर इतनी सिक्योरिटी है, बस हर जगह पर सिक्योरिटी है, पार्किंग की जगह है। और अभी हम जाएंगे इधर से, यहाँ से एक हाथ में ये है पीने के लिए पानी, और एक हाथ में ब्लॉगिंग के लिए। अभी चलते हैं और कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं ट्रेल 5 पे जाने के लिए। तो आगे चल के चलते हैं। तो हम आ गए हैं ट्रेल 5 पे, हाइकिंग ट्रेल 5 दारा जंगलियन, यानी कि ये जंगल है यहाँ पे जो है ना, वाक के लिए घूमने की जगह है, ये विजिटिंग जगह। यहाँ पे अगर आपको रास्ता नहीं भी पता ना, तो सारा कुछ यानी कि इधर लिखा हुआ होता है बोर्ड पे इस तरह से। अभी ये जानवर भी हो सकते हैं ये वाले, तो थोड़ा एहतियात करना बनता है। तो ये रहे शेरी आफ्ताब और सलीम। अभी जो है ये पहनना मस्ट है, मस्ट, यानी कि हाइकिंग के लिए जोगर शूज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लास्ट टाइम आए थे हम ईद उल अज़हा के, यानी कि ना दूसरे तीसरे दिन ईद वाले जब ना, तो हालत हमारी ये थी कि हमें वो चप्पल पहनी हुई थी, तो हम बहुत थक गए थे। जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है लाल पट्टे की तरह, इसी वजह से एहतियात लाजमी है। और हाइकिंग के लिए ये चीज़ें मस्त हैं ये वाले। बाकी सारा है जंगल ही जंगल हाइकिंग के लिए। दिस इज़ बेस्ट प्लेस एंड पीसफुल प्लेस। अभी वहाँ से आए तो बादल, यहाँ में बादल है मगर धूप भी है, दो मौसम। चलते हैं आगे, फिर जो जो पोस्ट की हुई होगी ना, यानी खंबा लगा हुआ होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है पहाड़ के ऊपर, जैसे ये देख सकते हैं। अभी जो है ना हम 0.1 किलोमीटर चल चुके हैं। इसी तरह हमें 2 किलोमीटर और चलना है आगे, ताकि इसको भी इंजॉय करें, आपको भी इंजॉय करें, और खूब इंजॉय करें। भैया अभी आगे जो थंबा लिखा हुआ है वो है फॉरेस्ट नर्सरी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 1.5 acres। गलती हुई तीली और सिगरेट ना करें, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो किसी हवाले से यहाँ पे आग लग सकती है। इसके जिम्मेदार वही होगा जो ये काम उल्टे करेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट नर्सरी 1.5 acres, यानी इन्वायरमेंट जो एयर है ना यहाँ से आती है इस तरफ से। यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज भी आती हैं और लोग भी आते हैं हाइकिंग के लिए, दूर दूर से फॉरेनर भी आते हैं, क्रिश्चियन वगैरह सब कुछ। चलते हैं ऊपर, फिर ऊपर का नज़ारा चेक करवाते हैं हम आपको। ये जो है ना विज़िटर जो आते हैं ना रहने के लिए, उनके लिए इन लोगों ने मतलब स्पेशल जगह बनाई हुई है सामने वाला, यानी कि विज़िटर यहाँ पे रह सकते हैं। अब जो है सामने ये चेक कर सकते हैं, ख्वातीन भी आ रही हैं। तो यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, ख्वातीन हो, मर्द हो, हर कोई। स्पेशली यहाँ पे ना
इतवार वाले दिन ज़्यादा आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मरगला हिल ट्रेडिशनल पार्क, इसी तरह इंग्लिश बोलने वाले इग्नोर। अब यहाँ पे ये जो थंबा है ना, एंटी लिटरिंग कैंपेनिंग टू प्रोटेक्ट, यानी कि हर तरह के यहाँ पे थंबे लगे हुए हैं फॉर्मेशन, यानी कि लोगों के लिए करने के लिए थंबे लगाए हुए हैं इन लोगों ने, बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए, ये ऐसे यानी कि सेटिंग पर्पज़ के लिए ये लगाए हुए हैं इन लोगों ने। और यहाँ की खूबसूरती चेक कर सकते हैं, इतनी पीसफुल जगह है क्या। हालांकि यहाँ पे सर्दी में ना इतना ज़्यादा मज़ा होता है ना, तो सर्दी में जितना चलोगे इतना फ़ायदा भी है और सुकून भी मिलता है, गर्मी में तो भाई पसीने पसीने। अब ये जो रास्ते ऐसे दिखते हैं ऐसे, अभी ये वाला जो है ना ये भी चेक कर, उतरते समय मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे करके ऐसे जाता है, ऐसे करके ऐसे जाता है। सन ग्लास पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बादल है, यहाँ पे धूप नहीं है, किसी जगह पे धूप है तो किसी जगह पे बादल ही बादल है। ये न्यू जो है थंबा लगाया हुआ है इन लोगों ने, सेव वाइल्ड लाइफ सेव नेचर, यानी कि पेड़ पौधे बचाओ जिंदगी बचाओ। हम चले हैं 0.4 किलोमीटर, 0.4 किलोमीटर, ये भी रास्ता उसी तरफ जाता है मगर इधर नहीं जाना, जाना हमने सीधा ही है सीधा। फिर से धूप, कहीं पे छाँव तो कहीं पे धूप, कहीं पे हम तो कहीं पे तुम। यहाँ के रास्ते फिर से ऐसे, नया बोर्ड लगा है यूज डस्टबिन फॉरेस्ट के भी, यानी कि यहाँ पे गंदा नहीं करना, ये यहाँ पे बैठने की जगह। अस्सलाम वालेकुम, ये सिटी वालों ने लगाया है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर से यहाँ पे छाँव है, यहाँ पे मैंने ये नोट किया है इतने कपल्स आ रहे हैं, कपल्स बहुत ज़्यादा कपल्स आ रहे हैं, जहाँ भी देखो कपल ही कपल बहुत सामने आ रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ भैया, यहाँ पे कपल ही कपल हैं, इतने सारे कपल से तुम्हारी कपल किधर है? ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया मेरा, मेरे साथ कपल ये आया हुआ है इस देखो चले ऊपर पानी पूरा नहीं है रहा पियो मेरा कपल, सारे कपल ही है बाय वन टेक वन फ्री, बाय वन टेक वन फ्री, ये को ये कैसा है ऑक्सफर्ड इंग्लिश दे गेट वन फ्री, नहीं टेक वन फ्री, अरे आता है बट बट
तो आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बताओ, मजा तो आ रहा है। आ रहा है अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, मजा अभी से आ रहा है। वो कपल देखे ना। अच्छा जोश आ गया। जोश नहीं है, हमें पता है कि मैं 5 मिला दूँ, मगर फिर भी देखने का अलग ही मजा है। 1 चला है अभी, कितना चलने आता है अभी? 1 बाद। नहीं टोटल कितना? कहावत है कि इधर पानी होगा, टोटल पता नहीं 10 से भी ऊपर है। पहले पानी होता था जब हम नहाए थे ना, बोतल भर भर के, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि 2 पानी है। देखते हैं, 1 चल लिया है पानी, सबने की आवाज आएगी तो पता लगेगा पानी का। क्या लग रहा है यार? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। हम चारों कटे खड़े हैं और इधर कपल कपल बंदा यहाँ तो हाइकिंग के लिए, यहाँ पे लोग, यहाँ पे लोग ये बहुत काम करते हैं। देखो ना हम क्या करें, वो सारे हम देख रहे हैं क्या करें। कपल थोड़ी होता हम यही तो देखने आए। छोटी छोटी गलियां, यहाँ पानी होता है, जहाँ पानी सूख गया ये। यहाँ में पहले नहाया करते थे जब छोटे छोटे हुए थे, हुआ करते थे ना। बिल्कुल। तब अभी मैंने शेरी को बोतल पकड़वाई है और हमारे हाथ में डंडियाँ हैं, जानवर चढ़ जाए किसी के ऊपर तो ना। इसके नाम लिया मैंने, मैंने नाम दिया नहीं, गोलू बन जाए, गोलू मोलू, टोलू मोलू। वो सामने फिर कपल बैठे हुए, पथरी ले लाए। ये देखिए यहाँ पे ऐसे चढ़ते हैं इसके ऊपर, ये हाइकिंग के लिए ये बना हुआ है। 1.2 किलोमीटर आगे चलोगे ना फिर आप ये ऐसे रास्ते मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे न्यू आते हो तो, अगर कोई घूम के गया तो उसको सारा पता है कि कहाँ पे ऐसे चलना पड़ता है। अभी 2 पे पानी बताया तो है, देखते हैं बाकी। पे खंबा लगाया था कि 2 के पास पानी है, अभी देखते हैं। 1.3 अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी स्टार्टिंग है ब्रो। ओके, यहाँ पे कपल बहुत ज़्यादा है, कपल बहुत ज़्यादा है। अगली बार मैं जब भी शादी करूँगा ना हनीमून के लिए, मैं अपनी बीवी यहाँ पे यहाँ लेके आएगा ये इंशाल्लाह। अब यहाँ से यूँ छोड़ेंगे, यहाँ पे बैठ के लोग साई पटते हैं। ये कितने दिन हफ्तों से प्लान बना हुआ है यार? मेरा तो सालों से, बोलो बहुत सालों से, जब मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में आया था मेरा तो तब का प्लान था, मगर यहाँ पे 1 बाद में आया हूँ, 1 बाद। लास्ट टाइम मैं आया था 2022 में, 2020 में ना, 20 में आए थे, नहीं 21 में आए थे ना, बड़ी थी ना उसमें आए थे हम। 2022 की थी बड़ी हाजी वाली की, हाँ उसमें गुलाब नहीं ना बनाया था, उस टाइम हम शरीफ होते थे। एक तो बोतल घिस रही है, देखो ना जो ब्लॉग बनाएगा वो बोतल तो पकड़े गए। 1.3 किलोमीटर अभी हुआ, 3 हो गया होते 1.5 ले खिला। हाँ 1.5 ये कह रहा है बस करो ला, क्यों बस करो भाई? 25 मिनट का बन जाता है, 37 मिनट का। एडिटिंग करने में बहुत मुश्किल होती है, एडिटिंग के लिए बना रखो ना तुम अपना पार्टनर यार। वो तो रखूँ, हाँ डिस्टर्बेंस वीडियो की होती है ना कि दो, एक व्लॉग के 2 पार्ट तो मैं कर ही नहीं सकता, वो तो कर ही नहीं सकते। हाँ उसमें जो मेन चीज़ें होती है व्लॉग में वही दिखाई जा सकती है, जैसे बड़े सेलिब्रिटीज का कम अज़ कम 15 मिनट तक होता है। अब देखो ना वो दूसरा बतन क्या, वो तो मैं देखा था यहाँ नजर आ नहीं रहा। चलो इधर घर बने हुए लोगों के, तो यार आगे वो
ऐसा आ गया जानवर के सोना के जोते वो बड़े हैरान हैं किसी दे, देखी होगे ना किसी को करते हुए ऐसे जाऊंगा ऐसे ये कहाँ पे मिलेंगे ऐसे लोग आगे आगे ये रे ये इनके बारे में तो कह रहे थे वो अच्छा हाँ तुम ही काटा है ना अच्छा है कि मैं अंधा हूँ देख नहीं रहे नहीं वैन पीछे क्या चिखे आ रही है पीछे पता नहीं यार कोई ना कोई जानवर किसी के ऊपर चिख गया यहाँ से जो है ये रे भोलेड़ा भोलेड़ा जा रहा है देखा होगा शायद वो सामने मैंने इसको बुलाया कि गाना चलाओ हाँ एंजॉय करते चलो जब मैं गाना चलाऊं दर्दी है थोड़ा कपड़े करने का तुम इधर क्या कर रहे हो बड़ा